अरे मेरा लौंडा होके तेरे को कोई मिली नहीं अभी तक। सुन मैं लौंडे, तू ही बता तेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी तेरे को ऐसा कुंवारा लंडे से एक के सूखा सूखा देखेगी तू। और भी बहन के लोगों कैसी कट रही है जिंदगी। एपिसोड 9 में स्वागत है जीटी 3 के। गांड नवाबी है आज के एपिसोड का नाम। हाँ तो जानना चाहते हो गांड नवाबी क्या होती है, कैसे होती है? तो वैसे ही होती है जैसे अच्छे बच्चे टीचर की करते हैं। सुन मैं कहूंगे चलते 78 हर की बुड्ढा मीटिंग के लिए बुलाया हम सबको, तो लिम्बू की जरूरत होगी। उसमें उसके लौंडे को बिठा के लाइए, उसके गैरेज से लिम्बू को भी उठाइयो और लूगी को उठाइए उसके कोठे से, और फिर मेरे को उठाने आइए, समझा ना? क्योंकि हमें बॉस के प्लेस में जाना होगा 78 हर की बुड्ढे में, क्योंकि कुछ बंदे लड़ाई चाहते हैं, तो हम उनकी माचो देंगे मिल। अगर वो बंदे चुदवाना चाहते हैं तो लौंडो, जैसा कि तुमने अभी टोनी क्रिप्रियानी के पत्र में, प्रेम पत्र में सुना होगा कि क्या बकचोदी बोली उसने, कि कुछ मीटिंग करी एक ठरकी बुड्ढा जो कि डॉन है इन सबका, सेविटियर ठरकी बुड्ढा है, एक डॉन है, तो इन सबको मीटिंग पे बुलाया क्योंकि कुछ बंदे लड़ाई करना चाहते हैं इनसे। तो ये लोग मीटिंग करके बैठ के बकचोदी एक मतलब क्या कहते हैं उसे, बकचोदी ग्रुप बिठाएंगे अपना, ठीक है, किट्टी पिट्टी पार्टी जो भी कहना है तुम लोगों को, ठीक है, पंचायत बैठेगी इनकी सबकी मिलके, तो उसमें बकचोदी करेंगे क्योंकि उसकी कैसे कैसे माँच होती है उस बंदों की, उन बंदों की। तो उनको उठाने का काम हमें दिया गया, क्योंकि क्या है, हम ड्राइवर भी है भैंचो जीटे में, हर जीटे में क्या काम होता है हमारा, उठाना इसको, छोड़ना वहाँ, छोड़ना उसको, फेंकना उसके घर फेंकना, हमारा यही काम होता है, ड्राइवर है हम। इसलिए हमको ये कहा गया है कि अभी हम जोयल के कार के चौधे के गैरेज में जाएंगे, उसकी लिमो उठाएंगे और उसको भी बिठा के लाएंगे, क्योंकि डॉन का बेटा है यही जोयल। हाँ सही सुना तुम लोगों ने, मैंने सही कहा है, जोयल उसके चूती का बेटा है। तो जैसा कि तुम लोग देखते हो एक काली कलर की लिम्बो है, हमें ऐसे तो लग्जरी कार ही देते नहीं है लोग, क्योंकि कहते तेरे कास से बात हो तो संभाल नहीं पाएगा गूंगे चौधे, क्योंकि तू ऐसी गूंगा है तो उस कहाँ से चला लेगा। तो अभी भी कहा गया कि ढंग से चलाइयो, तो हमें इसको बिठाने के ले जाना है भी, उसके जाना है अब लुग्गी के कोठे पे, उसको उसके कोठे से उठाना होगा लुग्गी को। अब दूसरा काम हमारा अब ये है, तीसरा काम हमारा यही है कि टोनी क्रिप्रियानी को उठाना होगा उसकी माँ के घर से। अभी तो कहीं के गया हुआ था, टट्टी करने गया हुआ, मुझे भी नहीं पता कहाँ था, पत्र छोड़ गया, हमने पत्र में पढ़ा उसकी बकचोदी, तो उसने यही कह रखा है कि हम पहले इसके जोयल के जोयल को उठाना है, गुंडे के बेटे को, गुंडे का बेटा नहीं जोयल, हाँ गाड़ी के जोधा, ये उसका बेटा है, तो इसकी लिम्बू उठा ली, जब तो उसके पास लिम्बू है, इतना अमीर है, क्योंकि डॉन का बेटा है भाई, लिम्बू नहीं होगी तो क्या होगा, लिम्बू थोड़ी होगा महन जो है ना, तो उसके पास है, तो हम लिम्बू में बिठा के ले जा रहे हैं उसके बेटे को। अब हमें कोठे से उसकी लुग्गी को उठाना हुआ, लुग्गी, ठीक है, लुग्गी बंदे को उठाना हुआ उसको, कोठे से लुग्गी को लेने जा रहा है उसके कोठे पे, हाँ लिम्बू में बिठा के उसके बेटे को। अब तीसरे पे हमें किसको लेने जाना है, टोनी के क्रिप्रियानी के बंदे को, टोनी के बंदे को ना, टोनी क्रिप्रियानी को ही लेने जाना है उस मोटी गांड को। अरे बैंचो एक तो लिम्बो चलती नहीं है, एक तो बड़ी धीरे चलती है, ऊपर से कंट्रोल इतने मुश्किल होते हैं ना लिम्बो के हर झूठे में चलाना, एक तो लंबी होती है, ठीक है, दूसरा एक तो इसको कंट्रोल अजीब से होता है, तीसरा एक बहुत स्लो चलती है। तो आ गए इसके कोटे में, इसको उठाएं लुगे को, चल भाई आ जा चूतिए, चूतिए नंजन जल्दी आ बैठ, साला इतनी देर लगा रहा है, चलो कपड़े पहन रहा हो ना जल्दी से, हाँ चलो सब कोट वोट पहन के आ रहा है, वैसे चूती से बने रहते हैं तुम लोगों को पता होगा, तो चूती से बने रहते हैं वैसे, आज बेटे कोट वोट पहन के जा रहे हैं डोन के घर, वो तो उसका बेटा ही है बैठा है भाई, सबसे पहले उसकी गाड़ी उठाई है लिम्बो, उसने ढंग से चला रहे हैं हमारी माँ चूत दे वो गुंडा। तो अब जाते हैं टोनी क्रिप्रियानी को, ये थोड़ा सा चूती है नहीं है टोनी क्रिप्रियानी, वो वैसे तो वहाँ उस दिन गया था जोयल के घर, ठीक है, उन्होंने देखा होगा वहीं पर तो मिला था, जोयल ने तो मिलवाया था मैं, उन लोगों ने एपिसोड 6वां 5वां जो भी है देखा होगा, तो ठीक है वहीं पे तो मिला था, बट नहीं भाई को तो अपने घर जाना है, हमें नौकर बनवाना है पूरा, लेने आए वेंचू है ना, बंदी है जैसे हमारी बंदी को लेने जा रहे हैं, आ भाई जल्दी आ, हॉर्न मारे हैं जल्दी आ जा, आराम से चल के आ रहा है चूते, अबे जल्दी भाग के आ जा मोटी गांड, नहीं तो इतनी धीरे भाग के आ रहा है भाई, लंबा खींच देता है एपिसोड भाई, लोग एक मिनट तक देख ले वही बड़ी बात है भाई, लोगों की गांड चुल रहती है आजकल नहीं देखते हैं, चले गुंडे पड़ गए, अब यही कसर रह गई थी लौंडो, कहते हैं ना जिंदगी में एक बार मूता नहीं जाता, दो बार मूतना जरूरी होता है जिंदगी को हमारे मुंह पे, तो इसलिए कहते हैं कि अच्छे से मूत लेना चाहिए, हग लेना चाहिए, बट जिंदगी तो बार बार हगना मूतना है, तो अच्छी बात है मैंने शॉर्टकट पकड़ा है पहाड़ी वाला, जो बड़ा मुश्किल हो रहा है अभी चलना, क्योंकि लिमोजिन की माँ चुदी चुदी रहती है, वैसी धीरे चलती है, ऊपर से इसको पहाड़ी वाले रास्ते पर चला रहे तो चढ़ा दिया, बट क्या करें ये शॉर्टकट था, तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि जल्दी से ले आया हूँ मैं शॉर्टकट मार के पहाड़ी वाले रास्ते, क्या हो गया यहाँ खड़ी करनी है क्या, यहाँ नहीं खड़ी करनी है, अभी गैरेज में घुसड़ नहीं है मैं, ले वैंचो गैरेज में खड़ी कर दी है, चल उतरे, अबे गैरेज में करना नहीं है क्या, अबे यार वैंचो भूल भी गया मैं तो, 5 साल का था जब खेली थी, चल वैंचो हो गया, तो तू बहुत अच्छे से लाया गूंगे चौधे मेरे बच्चे, तू बहुत अच्छे से लाया मेरे को, बस थोड़ा मेरी गांड में छेद हो गया, और खोटे वालों क्या हाल चाल है, और ठरकी बुड्ढे मेरे कोठी की लड़की तेरे को याद भी करती है, वो बुड्ढा नहीं आया जिसके लंड पे तेल लगा के मालिश करनी पड़ती है, तो उनको कह दिया अगर मेरे घर में आ जाएगी, घर में तेल लगा लेगी मेरे लंड पे थोड़ा सा, मालिश भी हो जाएगी मेरी, ये आ गया मेरा लौंडा, और बापू कैसा चल रहा है, मेरा लौंडा होके तेरे को कोई मिली नहीं अभी तक, सुन मैं लौंडे तू ही बता तेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी तेरे को ऐसा कुंवारा लंडे से एक के सूखा सूखा देखेगी तू उसके लिए बहू नहीं, बापू ढूंढ रहा हूँ ना, जिस दिन गुलाबी मिल जाएगी बना दूंगा आपकी, टोनी मेरी प्यारी गांड मोटी गांड, और कैसा है तेरी माँ, कैसी है, बुढ़िया होके भी बहुत जवानी है तेरी माँ में, अभी भी मेरे को पता है ये बात।
ठहर के बुड्ढे, दल्ला बन साले अभी भी। इतने तुम लोग अंदर जाके उसका दूध पियो, तब तक मैं सिलोनिया लौंडे की ले लेता हूँ। गूंगे चौदह बेटा, मुझे तू चूती है लगा, बट मैंने तेरे लिए गुलाबी प्लान कर रखी है। तो लौंडे मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को इनकी बकचोदी पसंद आएगी, क्योंकि बहुत मेहनत करी है मैंने, ऑब्वियसली हर एपिसोड में ही करता हूँ। तो मिशन पास हो चुका है, क्योंकि हमने डोन का कराया मिशन इस छड़की बुड्ढे का, जो कि बहुत रईस का चौदह है। ऑब्वियसली हमारे को ज्यादा पैसे मिलने ही थे, तो आगे जाके और भी ज्यादा अमीर होंगे। और क्या क्या ये छड़की बुड्ढे हमें मिशन देगा, तो अगर तुम लोग देखना चाहते हो आगे क्या क्या बकचोदी होने वाली है, क्या क्या सीन होने वाला है, ठरकी बुड्ढी क्या क्या करेगा हमारे साथ, तो इसलिए इस वीडियो को अच्छे से लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, फिर किसी एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।